अब मैंने मार्केट से कुछ चीजें लेनी है। कौन सी मार्केट से? अपनी मार्केट से। मैं पहले का लेट हो रहा हूँ यार। यार आलू प्याज ले, प्याज खत्म है, बाकी तो ठीक है यार। वो गर्मी भी है, पहले का लेट हो रहा हूँ। क्या लेना है? प्याज लेना है। अब हम लोग उधर जा नहीं रहे ना, पंजाब जाते तो वहाँ पे सब कुछ होता है, मैं वहाँ से ले लेती ना। बोलो यार, मुझे नहीं पता देखा, लेट हो रहा हूँ मैं लेके। आपने जाना, मैं क्या देख लूँ? प्याज नहीं, मैं मजा नहीं करी, खाना नहीं बनाना, प्याज जरा भी नहीं, एक प्याज पड़े हैं मेरे। फिर पता नहीं आप कब आओ, आगे आपकी मर्जी है। ये देखो कैसे बच्चियां धूप में खड़ी हैं, आपस में लड़ रही हैं। कल भेज देते तो आज मुझे चक्कर ना लगाना पड़ता ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की दात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये जी का मैं आई थी ग्रोथ लेने, जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो उन्होंने ना बीच में ना चीज़ें कुछ एक दो कम भेज दी, उन्होंने घर पे होम डिलीवरी की थी, तो जिसकी वजह से आज फिर मुझे आना पड़ा। और बेटे से कहा जाओ ले आओ, तो कहते हैं आप चलो मेरे साथ गाड़ी पर, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, पिक एंड ड्रॉप दे देता हूँ, तो आप जाके ले लो। तो अब फिर मुझे इधर आना पड़ा, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग के स्टार्ट यहीं से ले लेती हूँ। तो चलें जी अंदर चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नहीं आए थे सामान में, वो मैंने ले लिए, बस गई हूँ, एक मिनट का काम था उनको। हाँ स्लिप दिखाई और उन्होंने ये दे दी मुझे अंडे। तो अब मैंने बेटे से रिक्वेस्ट की है मुझे ले जाओ, मैं आलू प्याज ले लूँ और कुछ नहीं है। जहाँ मर्जी वहाँ से लेने, जहाँ से लेने, जहाँ पे आपको बस जल्दी लेना है। काली पकड़नी है उससे, ये पकड़ो आप, ये पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नहीं बोलना मम्मा को, ठीक है ना? और हर वक्त मुंह बना ही रहता है, कभी भी खुश नहीं होना, ठीक है? मैंने कहा खुश होगा देख के, मैंने कहा था मैं नहीं लेकर आऊंगी, पर फिर भी मैं लेकर आई। और बगैर फैन के बैठे हुए हो, बदतमीज, फैन ऑन कर, ना ऑन करूं? ये देखें जी, ऐसे पागल बच्चे भी आपने कहीं देखे हैं कि जो फैन ही ना ऑन करने दे? सीढ़ियां चढ़ी, सांस ऊपर के ऊपर और नीचे का नीचे, ये तो हालात है मेरे। हाय शुक्र अल्लाह का ले गया बेटा, आलू प्याज भी ले आई, ये रख देती हूँ इसको इधर ही किचन में, ठीक है? ये देखें काम करना, किचन का भी आलू प्याज के इधर रखे उसने। हाँ टमाटर भी लेने थे, पता है दिमाग इतना ख़राब है, अब ये थोड़े थोड़ी लिए, मैंने कहा चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैंने अभी नमाज़ पढ़ी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे सलाम दुआ कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं इस तरह फेस टू फेस हम लोगों ने बात नहीं की ना, तो मैंने कहा चले मैं इधर ही, क्योंकि मैं नमाज़ ना डाइनिंग रूम में पढ़ती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मैं चेयर पर बैठ के पढ़ती हूँ, तो नमाज़ मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पीछे नातें पढ़ी जा रही हैं मस्जिद में, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, वो जो होती है ना बारिश के बाद की सही छूटती हुई धूप, सही कड़ाकेदार धूप है। ये देखिए मैंने विंडो बंद की हुई थी, ये देखिए सही ऐसी धूप ना सर्दी में अच्छी लगती है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद बंदा कहते हैं सही मजे की धूप है, वो खिली हुई, तो ये देखिए वो वाली धूप है। सही गर्मी में खैर इस तरह की धूप नहीं अच्छी लगती, और फिर भी वही मैंने कहा है क्या बारिश ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त बारिश ही रहेगी, धूप भी होगी बारिश के बाद। तो प्लीज़ अल्लाह हाफिज़, सर से क्या ये कहना कि जब आप पहुंच जाओ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, हैं? सुन लिए तो फिर याद भी रखना है ना, ठीक है? जाओ नीचे, अल्लाह हाफिज़ जान, अल्लाह हाफिज़ मेरा बेबी। फिर विंडो खोलते हैं, आके वो आए हैं पौधे, आप
नहीं नजर आएगा इधर से अभी। ये देखिए जी मिठाई आई है हमारे नीचे वालों के, बेसमेंट वालों ने भिजवाई है, उन्होंने ली है गाड़ी, तो अल्लाह ने नसीब करे, बहुत प्यारी गाड़ी है माशाल्लाह, तो उन्होंने उसकी खुशी में ये मिठाई भिजवाई है।